हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल, जो कि एक क्लचर की मदद से आप बना सकते हो। अगर आपके बालों में ऑयल लगी है, जैसे कि मेरे बालों में ऑयल लगी है, मैं हेयर वॉश नहीं कर पाई एंड कल मुझे कुछ काम से जाना है, तो कैसे आप हेयर स्टाइल बना के जा सकते हो। इससे पहले भी एक बहुत खूबसूरत सी वीडियो बताई है, उसमें मैंने डिटेन पैक के बारे में बताया और एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल हैक बताया है, जो कि लंबे बालों छोटे बालों पे कैसे किया जाएगा वो उस पर शेयर किया था। तो ऑयली बालों में अगर आपको क्लचर की मदद से हेयर स्टाइल बनाना है और ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, गर्मियों का टाइम चल रहा है, कंफर्टेबल हेयर स्टाइल ढूंढ रहे हो, तो ये हेयर स्टाइल होने वाली है काफी ज्यादा हेल्पफुल। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकंड चैनल है प्रीत तिवारी 2, जिसमें मेरी डेली ब्लॉग्स एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स की वीडियोज डे बाय डे अपलोड होती रहती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज गो टू माई सेकंड चैनल, सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, प्रीति भाई 2 है, वैसे सर्च करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बावजूद डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहां से जाके आप इजीली मेरे सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हो। एंड इंस्टा आईडी प्रीति24 है, वहां पे मेरी रील्स वीडियो आपको देखने को मिलेंगी एंड वहां पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो मेरी वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हो। और जो भी प्रोडक्ट मैं बताती हूँ उसको मैं 100% श्योर होने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वो बेनिफिशियल है, क्या उसका अच्छा रिजल्ट है या खराब रिजल्ट है, सब कुछ आपके साथ शेयर करने के बाद ही उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करती हूँ, जिससे आप इजीली वहाँ पे उस चीज को अपने चेहरे पे यूज करने से पहले आपको सोचना ना पड़े या फिर कोई साइड इफेक्ट हो, किस चेहरे के लिए कौन सा चीज बेस्ट रहता है वो मैं बताते रहती हूँ। तो डिटेन पैक मैंने जो बताया था वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है ऑल स्किन टाइप के लिए है। और सबसे अच्छी बात मुझे उसकी लगी कि जब हम फेस पे लगाते हैं तो पूरा ठंडा एकदम हो जाता है, और उसके बाद से आपका जितना भी टेंशन, हेडेक, सिर दर्द होता है बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, और आराम से आप उसको लगा के सो सकते हो। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आपके स्किन पे कहीं भी डार्कनेस है, पिगमेंटेशन है, तो उसको वो इवन करता है, पूरी स्किन को क्लियर करता है एंड आपको फर्स्ट यूज में ही 50-60% तक मिल जाता है रिजल्ट देखने को। ये है डिटेन पैक, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था। आप चाहो तो ये भी बाय कर सकते हो मेरे फर्स्ट पहले वाली वीडियो से, उसमें मैंने ऑयली हेयर के ऊपर ही हेयर स्टाइल बताया था और हेयर स्टाइल हैक था। और आज जो मैं बताने वाली हूँ वो है मेकअप फिक्सर। ये मेकअप फिक्सर का हाल थोड़ा सा बुरा हो रहा है, बट मेरा फेवरेट मेकअप फिक्सर है। ये हुड्डा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है, और जब भी आप मेकअप अपना अप्लाई करते हो तो CTM करने के बाद से, प्राइमर लगाने के बाद से, फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आपको फिक्सर अप्लाई करना है अपने चेहरे पे, ये वाला, एंड फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद ये अप्लाई करना है। इसके बाद आपको कितने भी गर्मी हो, कुछ भी हो, आपका मेकअप टस से मस नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं निकलेगा। वो HD मेकअप से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है आपको, आप एक बार ये ट्राई करके देखिएगा। और ये हुड्डा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके इजिली वहां से बाय कर सकते हो। इसको मैं काफी लॉन्ग टाइम से, आई थिंक मैंने मेरा पार्लर चलाते हुए मुझे 10 साल हो गया, और 5-6 साल से मैं इसी का फिक्सर यूज कर रही हूँ, और काफी अच्छा रिजल्ट है। जितनी भी ब्राइडल्स का मेकअप किया है 100% सर्टिफाई हुई है एंड वो उन्होंने काफी अच्छा उनका मेकअप, मतलब 24-36 आवर्स तक चला है उनका मेकअप। मैंने रात में किया शाम के 5-6 बजे, नेक्स्ट डे उनकी विदाई हो जाती है, मुंह देखने वाली रसम हो जाती है, तब तक उनका मेकअप वैसे का वैसे रहता है। आप एक बार ट्राई करना, जो हैक्स मैं बताती हूँ, टिप्स बताती हूँ, वो सारे सेकंड चैनल पे मेकअप से रिलेटेड वीडियो जाते रहती हैं। तो चलिए मेकअप सॉरी वीडियो लंबी हो रही है तो हेयर स्टाइल बता देते हैं। तो आपको क्या करना है आज के हेयर स्टाइल में, सिंपली आपको अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद से साइड से हेयर को लेना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और उल्टी चोटी जो बनाते हैं हम लोग वैसे बनाना है। ओके, और थोड़े थोड़े से हेयर को इसके साथ जोड़ते जाना है। काफी प्यारा सा यहाँ पे हेयर स्टाइल बनने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और चोटी को थोड़ा सा लंबा गूंथ लेंगे। और इस तरीके से खींचेंगे साइड से,
ओके, कुछ इस तरीके का लुक आएगा। इस साइड का छोड़ देती हूँ एंड दूसरी साइड बना लेती हूँ। ये चश्मा मुझे बार बार दिक्कत कर रहा है। फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे हेयर स्टाइल। आप चाहो तो इसको छोटी बच्चियों पे भी ट्राई कर सकते हो, काफी प्यारा लगने वाला है। एंड अगर लॉन्ग हेयर है तो आप ट्विन ब्रेड के साथ भी इसको बना सकते हो। तो ईयर तक के हेयर को इसी तरीके से लेना है एंड चोटी को गूथ लेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा इसको खींचेंगे। ओके, अभी सारे बालों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और एक हाई पोनीटेल बनाएंगे। हाई पोनीटेल बनाने से पहले इस वाली जो चोटी को हमने बनाया था इसको निकाल लेंगे। आज फिर क्या हो गया, इस वाली चोटी को इस साइड रखेंगे एंड इसको भी इधर से लेके गूथ लेंगे। मैं हेयर स्टाइल बना रही थी, मेरी बेटी सोई हुई थी, उठ के आ गई। ओके, अब आपको रबर बैंड लगा लेना है। अगर आपको मांग निकालना पसंद नहीं है तो कल मैंने जो हेयर स्टाइल बताया था वो आप ट्राई कर सकते हो। अगर निकाल सकते हो तो आज वाला हेयर स्टाइल ट्राई कर लेना, कल की वीडियो भी देख लीजिएगा जाके। ओके, इतना करने के बाद से आपको क्या करना है, बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्लचर को सेंटर में इस तरीके से लगाएंगे रबर बैंड के जस्ट ऊपर। ओके, इस साइड से बालों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड चोटी गूथ लेंगे। एंड तक पूरा चोटी को गूथ लेंगे। गूथने के बाद आपको 2-4 यूपिन लगेंगे तो आप यूपिन ले लीजिएगा। यूपिन का एक डिब्बा आपको 10 रुपए में मिल जाता है इजिली। और इसको लूज कर लेंगे इस तरीके से। और इसको क्लचर के ऊपर से इस तरीके से घुमाते हुए लेके जाएंगे। और अगर आपको यूपिन नहीं लगाना है तो आप क्लचर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे और एंड पार्ट को क्लचर के अंदर इंसर्ट कर देंगे। फिर दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से आपको करना है और चोटी को बना लेना है। ऑयली बालों के लिए बेस्ट हेयर स्टाइल है। लंबे बाल हैं तो कमाल का लगने वाला हेयर स्टाइल, और छोटे बाल हैं तो आप इस तरीके से मेरी तरह थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको भी खींच लेंगे हम लोग ऐसे और दूसरी साइड से लेके जाएंगे एंड क्लचर में। एंड पार्ट को मैंने इस तरीके से कर दिया क्योंकि अब आजकल ज्यादातर लोग ढूंढते हैं हेयर स्टाइल जो कि हमको कम से कम हेयर स्टाइल टूल की मदद से अच्छा और कंफर्टेबल हेयर स्टाइल मिल जाए। तो ये देखिए, ये बन गया हमारा हेयर स्टाइल। ऑयली बालों के लिए ब्राइडेड बन हेयर स्टाइल है। तो कैसा लग रहा है, कल का भी हेयर स्टाइल काफी प्यारा था और आज का भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लीज कर लीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि और भी मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और भी बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। सेकंड चैनल पे भी जरूर जाइए, उसको भी देखिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं और भी ब्यूटीफुल से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आपके लिए लेकर आऊंगी मेकअप से रिलेटेड। और जो प्रोडक्ट लिंक्स हैं, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप मेरे को बताइए, उसके बारे में मैं पहले रिसर्च कर लूंगी, अप्लाई करूंगी, देन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, फिर आप इजिली आप वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हो।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।